कोरोना वायरस के चलते इस वक्त स्थिति काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। इस वक्त पूरे भारत में 24,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या 770 से अधिक हो चुकी है। वहीं ठीक हुए मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो वो 5,000 से अधिक है। विश्व भर में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो उसमें 27 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं 1,90,000 से ज्यादा लोगों की जान चल चुकी है। वही गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात लॉकडाउन 2 में रियायत देने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत सभी दुकानों को खोले जाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अभी बंद रखा जाएगा। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कहा है कि दुकानों में स्टाफ आपस में दूरी बनाने के साथ मास्क का भी इस्तेमाल करेंगे। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा है कि सैलून की दुकानें सेवाएं मुहैया कराती हैं। हमारे आदेश उन पर लागू होते हैं जो सामान बेचती हैं। न्याय की दुकानें और हेयर सैलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। यहां तक कि शराब की दुकानें भी बंद रखी जाएगी। यूपी सरकार ने सभी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को एक बड़ा झटका दिया है। कोरोना के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसका मतलब ये कि यूपी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ते नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा, यानी अब कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहने वाला है। पंजाब नेशनल बैंक ने कोरोना के कारण जारी लॉकडाउन के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने और ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IMPS फंड ट्रांसफर चार्ज को माफ कर दिया है। ऐसा करके उन्होंने अपने ग्राहकों को एक बड़ी राहत दी है। बैंक ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। ट्वीट के मुताबिक PNB के ग्राहक अगर इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो IMPS फंड ट्रांसफर करते हैं तो उन्हें कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब PNB के ग्राहक IMPS, NEFT, RTGS और UPI से अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो यह सेवा पूरी तरह से फ्री है। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार पर कांग्रेस सरकार निशाना साधती हुई नजर आई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार को लेकर कहा कि नोटबंदी की तरह लॉकडाउन से भारत को काफी नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 14 करोड़ से अधिक लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। आने वाले हफ्तों में लाखों की नौकरी जाने की आशंका है। क्या भाजपा सरकार के पास उनकी मदद करने की कोई योजना है? तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें, और ऐसी बाकी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंस्टा फीड के साथ। धन्यवाद। InstaFeed.